ये एक गुजरे जमाने की बर्फ है, बर्फ और पत्थरों के तैरते पहाड़ जो सौर मंडल बनने के दौरान बचे रह गए थे। इन्हें ऑर्ट क्लाउड कहा जाता है, डच एस्ट्रोनॉमर यान ऑर्ट के नाम पर, जिन्होंने 1950 में इनके बारे में बताया था। वो एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, धूमकेतु कई तरीकों से खत्म हो सकता है। वो चूंकि ग्रहों के घूमने के रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए अक्सर उनसे टकराते भी रहते हैं। धूमकेतु का ज्यादातर हिस्सा बर्फ होता है, इसलिए जितनी बार भी वो सूर्य के पास आते हैं उनका कुछ हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। हजारों बार ऐसा होने पर बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाती है और धूमकेतु एस्टेरॉयड में बदल जाते हैं। ग्रेविटी की वजह से धूमकेतु सौर मंडल से बाहर फेंक जाते हैं और अंतरिक्ष में भटकने लगते हैं। फिर भी न जाने कैसे धूमकेतु वापस आते रहते हैं। ऑर्ट ने नए धूमकेतुओं के आने की रफ्तार का पता लगाकर ये दावा किया कि वो एक बड़े गोलाकार बादल की शक्ल में होंगे जो कुछ प्रकाश वर्ष दूर सूर्य को चारों ओर से घेरे होंगे।